बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे वालों, सारे मेरे भैन आते भरावान, अल्लाह पाक हमेशा थे खुश रखे, आबाद रखे, जड़े दुख तकलीफ अल्लाह पाक थोड़े दूर करे, थोड़ी जिंदगी खुशियां ही खुशियां भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट की, अगर तुम सा चैनल देसी विलेज फूड सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लो, जो बैल का बटन आने प्रेस कर लो ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके। अज की वीडियो में मैं बना रही हूँ शाम का खाना। रोज़ बेटा आया से दुध लैन, टाइम ना आया से भी मैं दुध लैके तो टाइम ना चले जाऊँगा, क्योंकि भाई मैं डबर होनी घर टाइम ना कट देंगे। उन्होंने मैंने आके दसिया भी फूफो जी असी दोपहरे भी कुछ नहीं खाधा, मम्मा जी उन्होंने तबीयत खराब सी, मम्मा ने बहुत ज़्यादा बुखार आ, इसलिए मैं चौधरी साहब भेजा सी मेरे को चीज़ लिया के दो। चौधरी साहब चिकन लैके आए आ, बच्चे उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद आ, तो सारिया चीज़ा तैयार आ बच्चों वास्ते, चिकन बनाने और बाजी उसमें घर लैके जावे। चूल्हा अस बाल लिया वा, एक असी कढ़ाई लई आ, कढ़ाई के ऑयल पा लिया वा, तो ऑयल में अच्छी तरह गर्म कर लें, क्योंकि भैन भरा ही भैन भरावान के काम आते। गरम मसाला पाउडर मसाले अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर हरिया मिर्चा, हरा धनिया और प्याज, चिकन बॉल च धो के पाया हुआ वा। आटा मैं पहले ही गुन के रख लिया वा, क्योंकि आटा सैट हो जाए, मैंने जो शरोज बेटे ने दसिया चौधरी साहब सौदा लैन गए, मैं आटा गुन के रख लिया वा। ऑयल साडा अच्छी तरह गर्म हो गया वा, तो हुण असीं विच पा लैने आं प्याज, अच्छी तरह मिक्स करते हैं तो प्याज नूं हल्का फ्राई कर लैने आं, क्योंकि भैन भरा ही भैन भरा दे काम आंदा, ऐसी गल नहीं है। जो मैं बीमार सी बजी उसमें ने बिल्कुल भैन तरह मेरा साथ दिता, दोस्तों तरह, मैं हूँ पता चलिया, मैं कभी खाना तुम ना बनाया तो तबीयत ठीक ना हो तो काम करने दिल नहीं करता, तो मैं खाना बना के लैके आनी, तो परेशान ना हो, हमने मेरी गल हुई है बाजी उसमान। प्याज साढ़े हल्के फ्राई हो गए तो हम असं पा लें अदरक तो लसन का पेस्ट, अच्छी तरह मिक्स करते हैं तो दो मिनट वास्ते भुन लें। तो दूसरी साइड से मैं चाय रखी है, क्योंकि दिल कर रहा है चाय पीने, जोर की नमाज पढ़ी आ और पुराने पाक की तलावत की आ, तो इस टाइम चाय तो पीन नहीं होंगी, चौधरी साहब ने पूछा कहते नहीं पीनी, शरोज बेटा है तो शरोज बेटा तो मैं पीवांगी, तो शरोज बेटा अदरक लहसुन का पेस्ट पा के दो मिनट बाद भुन लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह भुज गया वा, तो हूँ असं पा लें टमाटर तो हरिया मिर्चा, अच्छी तरह मिक्स कर दें तो वो तक पका लें कवर करके, जो तक टमाटर साढ़े अच्छी तरह गल नहीं जाते। चाय बन गई है तो हम असं चाय पीने, टमाटर साढ़े अच्छी तरह गल गए हैं, हम असं पा लें पाउडर मसाले, नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी जी काली मिर्च, भुना कुटा सफेद जीरा, कुटिया हुआ धनिया, अच्छी तरह मिक्स करते हैं तो दो मिनट वास्ते भुन लें। शरोज बेटा चलिया गया वा, क्योंकि भाई मनवर उन्हों की मज सूई है, इसलिए कहना भी फुफो जी मैं कट्टी देख जाना वा, भाई मनवर उन्हों की मज सूई है, कट्टी दिती है माशाल्लाह, अल्लाह नसीबा च करे। पाउडर मसाले पा के दो मिनट वास्ते भुन लिया वा, पाउडर मसाले साड़ी अच्छी तरह भुज गए हैं, हुण असीं पा लैने आ चिकन, मैं कहनी हाँ भी टाइम ना बन जाए और बच्चों नूं भुख ना लगी होवे, पता नहीं दोपहर का भी कुछ खाधा कि नहीं खाधा। अच्छी तरह मिक्स करते हैं और 20 मिनट वास्ते मसाले दे विच चिकन की बुनाई कर लैंदे आ, नाले बच्चियां नूं ते खाना दे आवांगे, नाले बाजी उज़मा दा पता ले आवांगे। बीस तो 22 मिनट वास्ते मसाले दे विच चिकन की बुनाई की आ, चिकन की बुनाई अच्छी तरह हो गई आ, ऑयल भी छोड़ दिता चिकन ने, ते हुण असीं पा लैंदे आ गरम मसाला, हरा धनिया बरीक कटिया हुआ, अच्छी तरह मिक्स करते हैं तो दो मिनट वास्ते होर भुन लें। धनिए का तो गर्म मसाले का जायका बोटियों के आ जाए,
सालन साडा माशाल्लाह तैयार हो गया वा। हरा धनिया और गर्म मसाला पा के दो तीन मिनट वास्ते भुन लिया वा। हुण असीं चुल्हा बंद कर दिंदे आ, कवर कर दिंदे आ। असर दी अजान हो गई आ, नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। केड़ा सिलेंडर ते बनाउणियां, देर लगनी आ। नमाज पढ़दे आ तो उस तो बाद रोटियां बनावांगे। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਿਨ ਮੇਰਾ ਬਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਕਾਈਆਂ ਹਲੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਜਲਦੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾ ਕੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦਿਉਨੇ ਆ ਹਾਰ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਾ ਲਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਰੋਟੀ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੋਸਤੀ ਤੇ ਵੀ ਦੋਖਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਰੋਸਤੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ अपनी तवी मिट्टी शिट्टी लाई ओडी थकावट हो गई वीडियो वेखी में बड़ा तौल लगी अन्नी तो बोरी हो गए ਸ਼ਿਰੋਜ਼ ਦੋਦ ਲੰਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸ਼ਿਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦੋਦ ਖਾ ਗਏ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆ ਗਈ ਚੱਲ ਫੜ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪੁੱਪੂ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਇਹ ਦੋਦ ਤੇ ਨਾ ਚਾਚੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸ਼ਿਰੋਜ਼ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਦ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਾਂ ਦੋਦ ਸੰਭਾਲ ਮੱਖੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ਿਰੋਜ਼ ਬੇਟਾ ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ 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 ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮਾਲਟੇ ਖਾਂਦੇ ਹਟੇ ਹੋ ਸ਼ਿਰੋਜ਼ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਵਲ ਪੇਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਮਮਾ ਦਾ ਸਿਰ ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮਮਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਮਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਪੇਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਆਂ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੋਣੇ ਚ ਮੈਂ ਲਪੇਟੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਨੀ ਆ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਰ ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਸਾਲਨ ਬੋਲ ਚ ਪਾਣੀ ਮਤ ਮਾਰੀ ਮਤ ਐਚ ਪਾਲ ਮਨਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਲ ਗਰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਸਾਲਨ ਸਾਰਾ ਪਾ ਲਈ अपने वास्ते साग पिया हुआ भाई शाहर ने भी दोपहर नहीं दसिया
ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਰਾਹ ਚ ਬੁੜੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਲੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਆਏ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਣਾ ਬਾਈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਗਿੱਝ ਹੋਏ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਬੱਚੇ ਜਿਸਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਵਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਸਮਝੇ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।